हम लोग श्री श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध पंचदश अध्याय, पंचदश माने 15th, सेवेंथ कैंटो 15th चैप्टर, अभी श्लोक हम लोग कर रहे हैं। संग नारदेशी युधिष्ठिर के जो कह रहे हैं, अभी श्लोक नंबर 68 खोल लेता हूँ। जता हई जु जुआंग नृपदेव दुस्तज्जा दापदगण दारुस्त्रात्मन प्रभु जत्पाद पंकजेर सेवया भवा नराहसी त्रिर्जित दिज दिग्गज कुनुतः। हे नृप युधिष्ठिर, आपने अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण की सेवा से बलशाली राजा एवं देवताओं के द्वारा उत्पन्न अजेय आपत्तियों पर भी विजय प्राप्त कर ली और उनकी चरणों की सेवा से बड़े बड़े दिग्गजों की भी जीत कर एवं यज्ञ सामग्री का आहरण कर अपने बड़े बड़े राजस्व यज्ञ किए हैं। अहं पुरा भव कश्चित् गंधर्व उपवर्मन नम्नातीते महाकल्पे गंधर्वनां सुसम्मतः। नारदशी अपने पूर्व जन्म की कुछ इतिहास बता रहे हैं। पूर्व जन्म में इसके पहले अर्थात महाकल्प में मैं उपवर्मन नामक गंधर्व था। अन्य सभी गंधर्व मेरा बड़ा सम्मान करते थे। नारदशी अपने एक जन्म की कथा बता रहे हैं। बुझते बार क्या बताया ना, पूर्व जन्म में इस अर्थात इस अभी जो मैं नारद जन्म जो मेरा हुआ, इस नारद जन्म की पहले क्या था, पहले महाकल्प में मैं उपवर्ण नामक गंधर्व था एंड सभी गंधर्व मेरा बड़ा सम्मान करते थे। मेरी सुंदरता सुकुमारता और मधुरता आत्माकर्षक एवं अनूठी थी। मेरे शरीर से अपूर्व सुंदर सुगंध निकलता था। मैं प्रियदर्श था। मेरे पुर की स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मेरे भी उसमें अत्यधिक आसक्ति थी। मैं उत्तम और लंपट था, याद रखना। प्रयोजन में नारद क्या था, नारद बिफोर हिज बर्थ नारद हुआ जी अरे उपवर्मन है, उपवर्हन क्या बोला, उपवर्हन है। अहं पुरा भव कश्चित् गंधर्व उपवर्हन नामना दीते महाकल्पे गंधर्वनाम सुसम्मतः। अर्थात मैं पूर्व कल्प में उपवर्ण नाम से सुंदर गंधर्व था और मेरी सुंदरता सुकुमारता और मधुरता अत्याकर्षक एवं अनूठी थी। मेरे शरीर से अपूर्व सुंदर सुगंध निकला करती थी। मैं प्रिय दर्शन था। मेरी पूर्व की स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थी और मेरे भी उनमें अत्यधिक आसक्ति थी।
मैं उन्मत्त और लंपट था, गंधर्वरा लोग में ना। एक समय देवता के वहाँ सत्र यज्ञ हुआ, वहाँ दक्ष मरीचि आदि बड़े बड़े प्रजापति आए थे और उन्होंने हरिलीला गान के लिए गंधर्व एवं असुराओं के निमंत्रण किया। मैं भी उस निमंत्रण में विषय में सुनकर स्त्रियों के साथ वहाँ पहुँच गया और उनकी आज्ञा के बिना ही हरि कीर्तन छोड़कर मन बने ढंग से लौकिक गीत गाने लगा। तब प्रजापतियों ने देखा कि यह तो हमारा अपमान कर रहा है, तब उन्होंने अपनी अपनी शक्ति के प्रभाव से मुझे शाप दे दिया। तुमने हमारा अनादर किया है, अतः तुम्हारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शूद्र भी हो जाओ। नारद जी, इसके कारण मेरा शूद्रकुल में जन्म होने के कारण क्या है, जिसे नारद जी अपने जन्म कथा किसको बताया था? व्यासदेव के बताया था, है प्रथम स्कंद में जो है नारद व्यास संवाद है ना। ये मैंने कैसे भक्ति योग को मैंने प्राप्त किया आप बताओ। नारद जी क्या कैसे भगवान की प्राप्ति किए? नारद जी कहा मेरा जन्म जो है एक शूद्राणी के गर्भ से मेरा हुआ है, और मेरे माँ जो है दूसरे के घर में काम करती थी, इसी प्रकार मेरे माँ मुझे लालन पालन करने लगी, और मेरा पिता कब गुजर गए मुझे पता नहीं है। जब मैं 5 साल के हो गया और एक समय उस संत महात्मा हमारे गांव के निकटवर्ती स्थान पर आकर के डेरा लगाए समझते हो, माने वहीं पर संत महात्मा एकदेव के रहने लगे। और उस समय चातुर्मास के समय आ गया, बरसात के समय ये चातुर्मास श्रावण से लग जाता है, चातुर्मास श्रावण भाद्र आश्विन और कुंवर कार्तिक, ये 4 महीने संत महात्मा कहीं भ्रमण नहीं करते हैं, एक जगह में रहते हैं। तो मेरे माँ नित्य प्रत्यह उस संत महात्मा के पास जाकर के कुछ सेवा कर देते थे, सामान्य रूप में संत महात्मा की कुछ सेवा कर देते, और मैं छोटा केवल 5 साल के बालक था। मैं भी संत महात्मा के साथ मैं चले जाते थे और संत महात्मा की कथा मैं सुनता था और थोड़ा सा संत महात्मा की सेवा भी कर देते थे, उनके जैसे जलपात्र आदि साफ कर देना, बर्तन आदि साफ कर देना, उच्छिष्ट प्रसाद मैं ग्रहण करता था। संत महात्मा के आदेश प्राप्त करके मैं उनके उच्छिष्ट समझते हो, आई टुक द रेमनेंट्स फ्रॉम संत महात्मा, संत महात्मा के प्रसाद मैं ग्रहण करता है। अच्छा, ऐसे देख करके संत महात्मा मुझे ये मंत्र दे दिया। क्या मंत्र? ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र दे दिया। मैं नित्य प्रत्य संत महात्मा के पास जाकर सुनता था, हरि कथा सुनता था, इसलिए संत महात्मा बहुत मुझे आदर भी करते थे। मैं संत महात्मा से मैं घर लौटना नहीं चाहता था। शाम हो जाने पर मेरे माँ घर लौट करके आती थी और मुझे ज़बरदस्ती लेकर के आती थी, बोले चलो नारद अभी शाम हो गई, रात हो गई, चलो मैं जाना नहीं चाहता, किंतु मेरे माँ संत महात्मा से ज़बरदस्ती करके खींच करके लेकर के आती थी। मैं भगवान के प्रार्थना करता था, देखो साधु संग में रहना चाहता हूँ और मेरे माँ क्या की मुझे ज़बरदस्ती करके ले जा रहे, हे भगवान कब मेरा ऐसे दिन होगा मैं सदा सर्वदा संत महात्मा के सानिध्य में रह करके
भगवत कथा श्रवण कीर्तन करो। ऐसे करते करते काल की प्रभाव से क्या हो गया, एक दिन मेरे माँ शाम के समय सूर्यास्त के समय गोदहन कर रही थी, माने गाय दूध काट रही थी, गोदहन कर रही दूध काट रही थी। इतने समय एक सांप आकर के, विषधर कृष्ण वर्ण सांप आकर के मेरे माँ के पीछे से डांस दिया, काट दिया और मेरे माँ चली गई, मर गई। मैं सोचा बहुत अच्छा ही है, मैंने क्या की घर छोड़ करके फिर संत महात्मा के निकट रहने लगी। जहाँ जहाँ पर संत महात्मा जाते थे मैं उनके साथ भ्रमण करने लगी। इसके पश्चात प्रभु की जो मंत्र जो मुझे दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को मैं प्रीतिपूर्वक मैंने आई चांट दिस मंत्र विद वेरी केयरफुली विथ लाफ एंड एफेक्शन। मैं मंत्र जप करता था और मैं प्रभु के निकट प्रार्थना करता था ये कब प्रभु मुझे दर्शन देंगे। इसी प्रकार मैं सर्वत्र भारतवर्ष में जितने भी पवित्र नदियां हैं, जितने भी पवित्र तीर्थ है, सब जगह मैं भ्रमण करने लगी। जहाँ जहाँ पर शुद्ध संत महात्मा विराजमान होते हैं उस संत महात्मा के निकट मैं बैठ जाता था। उत्कंठा के साथ मैं भगवान को प्रार्थना की, हे प्रभु कब मुझे दर्शन दोगे। एक दिन भगवान ने किया कि बिजली के भांति क्षणिक काल के लिए मुझे दर्शन दिया। शंख चक्र गदा परम पद्मधारी भगवान विष्णु के दर्शन करके मैं मूर्छित हो गया। भगवत दर्शन में इतने आनंद हो गया, जिस आनंद के फलस्वरूप मैं मूर्छित हो गया। मूर्छा कुछ समय के तब मूर्छा भंग होने के बाद मैं भगवान की प्रार्थना की, प्रभु दोबारा मुझे दर्शन दीजिए। तब उस समय आकाश बनी हुई, नारद तुम्हें और दोबारा दर्शन नहीं होगा, यही भजन करते करते तुम्हारे जब समय आ गया, समय जब आ गया आ जाएगा और तुम इस शरीर को छोड़ करके और दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त करके मेरे धाम में आओगे, तब तुम मेरा वो सुंदर स्वरूप दर्शन करोगे। तो उस दिन से मैं कुछ मौन धारण कर लिया। मैं नित्य प्रत्यह भगवान के ऐसे नाम कीर्तन और भगवान के ऐसे मधुर मंत्र आदि जप कर लिया। मैंने सोचने लगा वनस्तु सत्य को उपास, मैं अकेला निर्जन स्थान में भजन करूँ। इस प्रकार मैं भजन करते करते मेरा प्रारब्ध समय आने पर मेरे इस शरीर पंचभूति शरीर प्रतीत हो गया और मैं दिव्य शरीर से भगवान को प्राप्ति कर लिया। इसी के कहा जाता है भक्ति योग, भक्ति योगे न मनसी प्रणीत भक्ति योगे न मनसी प्रणति अमर अपसत पुरुषों पूर्ण मायंच तदपाश्रय। भक्ति योगे न मनसी समके प्रणित अपसत पुरुषों पूर्ण मायंच तदपाश्रय। भक्ति योग के द्वारा मैं साक्षात भगवान को दर्शन किया है। असली ये व्यासदेव के लिए कहा। अच्छा चलो जिस कथा करें, अभी नारद ऋषि जो कर नारद ऋषि कर रहे हैं मेरा शूद्र कुल में क्यों जन्म हुआ है, यहाँ पर प्रसंग आ रहे हैं। ये यद्यपि क्यों शूद्र कुल में जन्म हुआ, इसके नारद जन्म के पहले मैं गंधर्व लोक में उपब्राह्मण नामक गंधर्व के रूप में मेरा जन्म हुई और उस समय एक समय स्वर्गलोक में देवता लोक है जहाँ पर सत्र यज्ञ कर रहे थे। एक समय देवताओं देवत के वहाँ सत्र यज्ञ हुआ और वहाँ पर बड़े बड़े प्रजापति दक्ष मरीचि आदि बड़े बड़े प्रजापति आए थे, उनके हुरीला गान के लिए गंधर्वों और स्वरों के निमंत्रित किया।
मैं भी उस निमंत्रण के विषय में सुनकर स्त्रियों के साथ वहाँ पहुँच गया और उनकी आज्ञा के बिना हरि कीर्तन छोड़ करके मनमन ढंग से लोकगीत गान गाया है। इसलिए संत महात्मा निकट जब कीर्तन करोगे हरि गीत करना चाहिए, मैंने भगवत संबंधी कीर्तन होना चाहिए, लापरवाही इधर उधर होना नहीं चाहिए है। हाँ समझे, इसलिए कह रहे हैं तो प्रजापतियों ने देखा कि तो मैं हमारा अपमान कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से मुझे साप दे दिया और कहा तुमने हमारा अनादर किया है, अतः तुम्हारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शूद्र हो जाओ। यदि भी मैंने एक दासी के शूद्र के रूप में जन्म लिया किंतु वेदवादी महात्मा की सेवा और उनके अनुकूल संग के प्रभाव से पुनः मेरा ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। हे युधिष्ठिर, इसके लिए जिसके द्वारा गृहस्थ भी क्या अनायास में सन्यासियों को प्राप्त देने वाली परम गति प्राप्त कर लेते हैं, मैंने तुम्हें वही पापनाश और गृहस्थ धर्म बतला दिया है। नारद जी कह रहे हैं हे युधिष्ठिर, मैं तुमको जो ये बताया गृहस्थ धर्म के बारे में बता दिया है। जो अंगनि लोके बत भूरी भागा लोकं पुनानां मनयो विजन्ति जे संग्रियानां वसतीति साक्षात् गुरं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। इस श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इस श्लोक याद करो है, यू हैव टू लर्न दिस श्लोक ऑल्सो है। और श्लोक जुअंगनि लोके बत भूरि भागा लोकं पुनानां मनयो विजयन्ति जे संग्रियानाव वसति ति साक्षात् गुरं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। है श्लोक पढ़ना सीखो तब तो अच्छा आनंद आ गया, पढ़ो रीड। श्लोक की पढ़ो अच्छा लगे। जुअंगनि लोके बत भूरि भागा लोकं पुनानां मनयो विजयन्ति जे संग्रियानां वसति ति साक्षात् गुरं परं ब्रह्म मुनो मनुष्यलिंगम। जुअंग मने आप लोग, बहुवचन हे महाराज युधिष्ठिर, इस धराधम में आप लोग अति भगवान है क्योंकि साक्षात परब्रह्म मनुष्य रूप धारण करके आपके घर में गोपनीय रूप से निवास करते हैं। इसी से संपूर्ण लोक की पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आपके घर पर बार बार आया करते हैं। जुअंग निलोके, निलोके में इस संसार में धराधाम में बतह, बत शब्द का आश्चर्य या आप लोग कैसे भगवान है। भूरी भागा अत्यंत भगवान हो। लोकं पुनानां मुनयोपि अभिजन्ति,
लोग के पवित्र करने करने के लिए मुनि लोग भी आप लोगों के गृह में पधारते हैं। जे संग गृहनांग बसति साक्षात, है देखो गृहनांग बसति, आप लोग के गृह में साक्षात गुरंग परब्रह्म भगवान मनुष्य रूप धारण करके विराजमान है। नारद जी का है इस श्लोक इंपॉर्टेंट है। नारद जी के चरित्र बोलो, इस श्लोक बोलना पड़े है। नारद युधिष्ठिर संवाद, नारद जी भी युधिष्ठिर महाराज के भी क्या करें, वर्णन कर रहे, सौभाग्य की वर्णन कर रहे। आप लोग कैसे महाभगवान, संसार के लोग सोचते हैं ये सन्यासी श्रेष्ठ है, कि नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज आप गृहस्थ होते हुए पर भी सन्यासियों की जो है चूड़ामणि है, चूड़ामणि है क्राउन्स एंड ज्वेल्स है, आप लोग सन्यासी की चूड़ामणि है। क्यों ना आप लोग के गृह में बड़े बड़े मुनि लोग आते हैं, इसलिए ना आप लोग की घर के चौखट की धूल सिर पर रखने के लिए, चौखट समझते हो है। क्यों मुनि लोग आप लोग के घर के चौखट के धूल क्यों लेते हैं, बोले देखो साक्षात गुरंग परब्रह्म, जो परब्रह्म बड़े बड़े देवताओं की भी गोपनीय है, परब्रह्म भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आप लोग के घर में विराजमान है, है? ये कह रहे साक्षात परब्रह्म मनुष्य रूप धारण करके आपके घर में निवास करते, आप लोग कितने सौभाग्यवान है। सबायं ब्रह्म महत् विषमृगम कैवल्यं निर्वाण सुखानुभूति प्रिया सद्री प्रय सुहृद खोलु मातुलेय आत्महरण्यु विधिकृत रुश्च। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़े साधु जिनका अन्वेषण करते हैं वे माया के लिए से रहित मुक्ति सुख के प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आपके प्रिय सुहृद हितैषी है ममेरे भाई है और पूज्य आकांक्षाकारी गुरु एवं स्वयं आत्मा है, है? नारद जी कह रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण आप लोग के साथ कैसे लौकिक सद्बंधुवत प्रीति रखते हैं, हैं? परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण आपके प्रिय भी है, हैं? और सुहृद, सुहृद माने मित्र भी है, हैं? हितैषी भी है और आपके ममेरी भाई है, हैं? पूज्य और आज्ञाकारी गुरु एवं संग आत्मा भी है, ईश्वर तो बता रहे आत्मार अहरण से। अच्छा न तस् न जस साक्षात भव पद्म पद्मजादि रूपं धिया वस्तुतयोर पवर्णितम मौनेन भक्त भक्तोपोषेण पूजित प्रसाद प्रसिद्धात्मेश एवं सत्ततां पति। साक्षात श्री ब्रह्मा आदि भी अपने बुद्धि के द्वारा जिनकी रूप का वास्तव वर्णन नहीं कर सकते हैं और जो मौन शक्ति एवं उपशम के अर्थात इंद्रिय अंतकरण आदि विजय के द्वारा पूजित होते हैं वे साक्षात शाश्वत पति हमार हैं, हम पर प्रसन्न हो। श्री शुकवाच इति देवर्षिणां प्रोक्तं निसम्मं भरत ऋषभ
पूज्यमानस सुप्रतीत कृष्णंच प्रेम बिहाल। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, भरत कुल श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर देवर्षि नाथ के द्वारा कहे गए उपदेश को सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने प्रेम विवल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करी। मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी अब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर से साक्षात प्राप्त करके उनसे विदा लेकर चले गए। श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर को अत्यंत विस्मय हुआ। नारद जी कहा ना, गुड़ंग पर ब्रह्म, इस श्लोक में कह रहे हैं गुड़ंग पर ब्रह्म मनुष्य लिंगम। इस कथा को सुन करके युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य हुए, विस्मय हुआ उनको। इति इति दक्षिणानां ते पृथक पृथग सा प्रकृतिता देवासुरं मनुषाब्दं लोकं जत्र चराचर। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार मैंने दक्ष पुत्रियों के पृथक पृथक वंश का वर्णन तुम्हें सुनाया। उसने ही देवता असुर व मनुष्य आदि तथा संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई। इति श्रीमद्भागवते सप्तम स्कंदे 15वें अध्याय का श्लोकानुवाद समाप्त है। अष्टम स्कंद सप्तम स्कंद समाप्त हो गया, अभी अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा ग्रंथ है भागवतम। शंभु मुनि के वंश विस्तार को सुनकर महाराज परीक्षित ने अन्यान्य मनु एवं तत्त मन्वंतर में भगवान के आविर्भाव को विषय में जिज्ञासा की। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने शंभु मुनि मुनि की पुत्री और आहुति के गर्भ से भगवान यज्ञ के आविर्भाव के विषय में बतलाया। अच्छा चलो, अष्टम स्कंद श्लोक पढ़ते हैं। तो मन्वंतर अवतार के वर्णन हो रहे हैं अष्टम स्कंद में, मन्वंतर अवतार को वर्णन हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, श्री राज उवाचो, अष्टम स्कंद प्रथम अध्याय मन्वंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, शंभु मनुभस्य गुरु वंशो अयं विस्तारच्युत जत्र विश्वश्रीजा सर्गे मनुनयन वदसनः। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, जिस वंश में मनु की कन्याओं से उत्पन्न मरीचि आदि प्रजापतियों के पुत्र के रूप में वंश परंपरा को प्रवर्तित किया, उस शंभु मनु के वंश के विषय में मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। अब आप कृपा करके अन्यान्य मनु के वंश के भी वर्णन कीजिए। शंभु मनु की कथा अभी चल रहा है। हे ब्राह्मण, जिस मन्वंतर में विवेक की पुरुषों के महामहिम श्रीहरि के विविध अवतार एवं लीलाओं को वर्णन किया है, आप हमें उन भी चरितावली को अवश्य सुनाइए। उन्हें सुनने की हमारी बड़ी उत्कंठा हो रही है, आकांक्षा हो रहा है। हे भगवान विश्वभावन, भगवान ने बीते हुए मन्वंतर को जो जो
लीलाओं की है वर्तमान में, वर्तमान जी को करके कह करे हैं, और आगामी मन्वंतर में जो लीलाएं करेंगे कृपा करके सब मुझे सुनाई है। वर्तमान और भविष्य की जितने भी कथा वो भी मुझे श्रवण कराइए। श्री ऋषि उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित इस कल्प में शंभु आदि छह मन्वंतर की बीत चुके हैं। उनमें मैंने प्रथम शंभु मन्वंतर का वर्णन कर दिया जिससे देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। शंभु मुनि के दो पुत्रियां थी, आकुति एवं देवहूति। शंभु मुनि के कितने पुत्री? दो पुत्रियां थी, एक है आकुति और दूसरी है देवहूति। आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश देने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान ने अपने पुत्र रूप में अवतार लिया है। ऐसे कपिल देव देवहूति के गर्भ से कपिल देव जन्म लिया। कुतां पुरा भगवत कल्पितामनं वर्णितम् अखाय से भगवान जग्गो जच्चकार कुरुद्वह। हे कुरुद्वह माने परीक्षित महाराज, भगवान कपिल के चरित एवं उपदेश का तत्व मैं पहले ही अर्थात तृतीय स्कंध में वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं आप भगवान यज्ञ पुरुष द्वारा किए गए कार्यों के विषय में बतलाऊंगा। शंभु मुनि ने समस्त भोगों एवं कामना से विरक्त होकर राज्य भोग का त्याग कर दिया और अपने पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए हैं। ठीक है ना, हे भारत, वन में जाकर शंभु मनु ने सुनंदा सुनंदा नदी के किनारे में पृथ्वी पर एक पेड़ से खड़े होकर 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या करते हुए वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। श्री मुन्मुनु उवाच, येन चेतयते विश्वविश्वं चेतसेन अग्रमम् यो जागर्ति शयने अस्मि नयन तवेद वेदजः। मनु कहते थे, जिसमें इस संपूर्ण विश्व चेतनायुक्त है, परंतु संपूर्ण विश्व उन्हें चेतनामय करने के समर्थ नहीं है, तब सारा विश्व निर्मित सुषुप्तिमय एवं प्रलयगत रहता है। तब तो साक्षी स्वरूप में जगत के जागते रहते हैं तथा जिन्हें कोई जीव ज्ञान नहीं सकता, परंतु जो सब कुछ जानते हैं वो भी चिदात्मा परम पुरुष है। यह संसार और हमने रहने के वाले सभी चर अचर प्राणी ईश्वर की सत्ता एवं चेतना द्वारा व्याप्त है, अतः संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके केवल जीवन निर्वाह के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त विषय का उपभोग करें, किंतु किसी अन्य के धन की आकांक्षा न करें। अरे
यह धन तो विषय भोग में चला, विषय भोग भला किससे है और पराद्रव्य लुष्ट्रवत, दूसरे के धन को कैसे देखो मिट्टी के भांति, इसलिए कह रहे हैं पराद्रव्य लुष्ट्रवत, दूसरे की धन के प्रति लोभ रखना नहीं चाहिए है? इस संसार और इसमें रहने वाले सभी चर अचर प्राणी ईश्वर की सत्ता एवं चेतना द्वारा व्याप्त है, अतः संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके केवल जीवन निर्वाह के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त विषय की उपभोग करें, किंतु किसी भी अन्य धन की आकांक्षा न करें। यह धन और विषय की भोग भला किसके है अब बताओ। न पश्यति न पश्यन्त चक्षुर्यस्य न नश्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावयत। भगवान सर्वश्रेष्ठ सृष्टा है परंतु उन्हें देखने में कोई भी समर्थ नहीं है, वे उसके साक्षी है, उनका चक्षुष ज्ञान अखंड है, अतः समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले जीवात्मा को सखा उन भगवान के ही भजन करना चाहिए। जिनका न आदि है न अंत है न ही मध्य, जिनका कोई अपना है न कोई पराया है, न बाहर है न भीतर है, जिनके कारण जगत के इन समस्त विषय की सत्ता है और यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, वे सत्य एवं परिपूर्ण ब्रह्म है। देखो यह ब्रह्मांड उनका शरीर है, भगवान के शरीर क्या है, ये ब्रह्मांड है। उनके अनेक नाम है, वे अचिंत संपन्न सत्य सप्रकाश स्वरूप अजन्मा निर्विकार एवं पुराण पुरुष है। उन्होंने अनादि सिद्धि अपने मायाशक्ति द्वारा इस विराट जगत की सृष्टि की और स्वयं अपने चित्त शक्ति के प्रभाव से माया का त्याग करके निष्क्रिय भाव से रहते हैं। ब्रह्मांड के भगवान की शरीर की माना जाता है, वह सत्य स्वरूप अचिंत संपन्न है, वो सत्य है वो। उनकी कारण ऋषि मुनि निष्कर्म स्थिति अर्थात निष्क्रिय होने से पहले समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि भगवत अर्पित करते हुए कर्म करने का पुरुष ही अंत में निष्काम होकर निष्कर्म सिद्धि का प्राप्त कर सकता है, है? अर्थात कहने की तात्पर्य हो रहा है, जो सब भगवत अर्पित हो जाए है? साधक पहले क्या करें, भगवान को अपने को अर्पित कर दे है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा। प्रहलाद महाराज जो नौ प्रकार की भक्ति के बारे में कह गई, हम लोग आलोचना किया था उस समय है। इति पुंसा अर्पिता, जीव क्या करे, पहले भगवान के चरण में अपने को अर्पित कर दे है, तब उनके जितने भी कार्य आदि है उसमें दोष नहीं लगते हैं। इसी प्रकार भी कार्य ही हैं, पर ये सर्वशक्तिमान ईश्वर भी सृष्टि कार्य अत्यंत कार्य यदि संपन्न करते हैं, किंतु आत्मा लाभ से पूर्ण अनेक कारण पूर्ण कारण होने के कारण उन कार्यों को आसक्त नहीं होते हैं।
कार्य तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, किंतु कैसे करो, अनासक्त हो करके। खाना है कि नहीं, कार्य होता है, सोना है, जितने भी हम लोग देह दैहिक संबंधी जो कार्य आदि जो है उसे कैसे अनासक्त होकर के, और उसमें भगवत सेवा के लिए सोना है, किसलिए सोते आप ना, शरीर ठीक रहेगा और फिर भगवान के और भी भजन कर पाएंगे। इसी प्रकार शंभु मनु समाधिस्थ होकर के पूर्वोक्त मंत्र का पाठ कर रहे हैं, और वह देखकर उसरो और राक्षस की सोचा कि वे नदी में अचल होकर कुछ बड़बड़ा रहे हैं, अतः उनके भक्षण करने के लिए ही सब प्रकार टूट पड़े। जरूर शंभु मनु ऐसे निष्काम होकर के ये मंत्र आदि पाठ करने लगे, कहाँ, नदी के जल में। तो अब उस समय असुर और राक्षस ने सोचा कि वे नदी में अचल होकर कुछ बड़बड़ा रहे हैं, अतः तो उन्हें भक्षण करने के लिए सब उन पर टूट पड़े। असुर है ना, खाने के लिए टपर है। जब सर्वसंत सर्वसाक्षी भगवान जज्ञेश्वर ने देखा कि असुर एवं राक्षस शंभु मनु के भक्षण करने के लिए उद्यत है, तो अपने पुत्र जाम नामक देवताओं के साथ वहाँ पर आए और उनका वध कर दिया, वध कर डाला। तत्पश्चात वे स्वयं इंद्र के पद पर आसीन होकर स्वर्ग पर शासन करने लगे। अग्नि के पुत्र थे सारोचिस, वे द्वितीय मनु हुए। पूर्ण सारोचिस मनु अनेक पुत्र के ध्रुमत सुसेन और रमिश ये रोचिस्मत प्रमुख थे। सारोचिस मनंतर में यज्ञपुत्र रोचन के इंद्र का पद संभाला। उन समय तुष्टि आदि प्रधान देवतागण थे और ऊर्जस्तंभ आदि वेदवादि महर्षि थे। यह बहुत इतिहास है, ये सब याद रखना पड़ेगा। चलो ये सब वंश परिचय देते जा रहे हैं और कुछ नहीं। मनंद्र के विष्णुपुत्र और सप्तर्षि थे। उस समय धर्म की पत्नी सुनिपिता से भगवान पुरुषोत्तम सत्यव्रत आदि देवता के साथ उत्पन्न हुए, सप्तसेन नाम से प्रसिद्ध हुए। इतना थोड़ी याद रहेगा नाम।
चतुर्थ मुनि ये चतुर्थ मनु तामस नाम से प्रसिद्ध थे। वे उत्तम नामक तीसरे मनु के सगे भाई थे। तामस मनु के पृथु अक्षाति नौर केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। तामस मनंत्र में सत्तप हरि एवं वीर नामक देवगण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख और ज्योतिर्धाम का अधिकापदा आदि महर्षि थे। इसी मन्वंतरे भगवान विष्णु ने हरि मेधस की पत्नी हरिणी के गर्भ से अवतार लिया और हरि नाम से प्रख्यात हुए। देखो कहाँ कहाँ लगा दिया। भगवान विष्णु ने हरि मेधस की पत्नी हरिणी के गर्भ से अवतार लिया और हरि नाम से प्रख्यात हुए। नाम याद रहेगा, ये भगवान नाम हरि कैसे हो गया ना। इसी मन्वंतर में है तामस मन्वंतर में सत्तक हरि और वीर नामक देवगण थे। हरिणी के गर्भ से अवतार लिया। और भगवान श्रीहरि ने इसी अवतार में ग्राहक के मुख से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने कहा, हे बातरानी, भगवान श्रीहरि ने ग्राहक द्वारा आक्रांत गजपति को किस प्रकार मुक्त किया वह मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए उत्कंठित हूँ। चलो गजगाह की कथा अभी आ रहे हैं। समस्त कथा प्रसंग में यही कथा अतिशय पवित्र धन्य शुभ और परम मंगलकारी है, जिसमें उत्तम श्लोक भगवान श्रीहरि की महिमा गान होता है। तत्कथासु महत पुण्य धन्य सत्स्तयन शुभम जत्रोत्तम श्लोक भगवान गीयते हरि। समस्त कथा प्रसंग में यह कथा अतिशय पवित्र धन्य शुभ एवं मंगलकारी है, जिसमें उत्तम श्लोक भगवान श्रीहरि की महिमा गान होता है। उसी कथा को सुध जी उस स्वामी सुनकादि ऋषि के निकट कह रहे हैं। हे सुध जी, हे ऋषोनुकादि ऋषिगण, परीक्षित महाराज पर्यवेशन अर्थात आमरण अनशन अवस्था में बैठे थे। जब तक जीवित हैं तब तक बैठे रहे। अनशन एंड आमरण अनशन पर बैठे थे कौन? परीक्षित महाराज है।
उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी का इस प्रकार से भगवत कथा कहने के लिए प्रेरित किया तब बड़े आनंदित हुए और उनका अभिमन्यु अभिनंदन करते हुए मुनियों से भारी भारी मुनि से भरी सभा में बड़ी प्रसन्नता के प्रसन्नता से उन प्रकार कहने लगे। श्री सुकवाच है द्वितीय स्कंध में ये द्वितीय अध्याय अष्टम स्कंध द्वितीय अध्याय श्री सुकवाच गजेंद्र द्वारा ये ग्राहक के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। चलो गजेंद्र मोक्षण लीला इस अध्याय में वर्णन होते जा रहे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित ही समुद्र में घिरा हुआ अत्यंत सुंदर 10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नामक एक सुविख्यात पर्वत था। वह अपने चारों ओर भी उतने ही दूरी तक फैला हुआ था। उस पर्वत के ऊपर लोहे चांदी और सोने के 3 शिखर थे। चित्रकूट जो विशाल जो पर्वत जो है पर्वत के नाम क्या बताया चित्रकूट ये त्रिकूट नाम का एक अत्यंत सुंदर और सुविख्यात पर्वत था। उनके 3 जो है सिखाया था है। और उस पर्वत के ऊपर लोहा चांदी और सोने के 3 शिखर थे है, इसलिए नाम हो गया क्या त्रिकूट पर्वत। और उनके जो नाना प्रकार के रंग बिरंगे रत्नों और धातु के विचित्र विविध जाति के वृक्ष लताओं का एवं गुलमोसी पंडित एवं ये गुलमोसी मंडित एवं झरनों से ध्वनि की गुंजित होकर 10 दिशाओं को शोभा बढ़ाते थे। इतना ही रखो याद रखो क्या खीर समुद्र के तटवर्ती त्रिकूट पर्वत था। उस पर्वत के 3 शिखर था। वो 3 शिखर में लोहे चांदी और सोने की है वो था और सुंदर रूप में वो मुरमुराया था है, देखने में इतने सुंदर। उनके कंदराओं में अनेकों जो है सिद्ध चानर गांधर्व विद्याधर नाग आदि ये सब विहार करते थे। जब उनकी संगीत के ध्वनि से कंदराओं के गूंजने लगती तब बड़े बड़े पराक्रमी सिंह उन ध्वनि को गूंज के सह नहीं पाते और वहाँ दूर से सिंह की आशंका करके क्रोध के कारण और जोर से गर्जना करते लगते। और वो त्रिकूट पर्वत की तलहटी में नाना प्रकार
अद्भुत वृक्ष से सुशोभित एक उद्यान था जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी सुमधुर कलरव किया करते थे। वह त्रिकूट पर्वत अनेक नदियों एवं सरोवर से भरा हुआ था जिसका जल मणियों के समान निर्मल था और पुलिन मणिमय बालुका से सुशोभित थे। देवांगनाएं उनमें स्नान करती थी। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपक, पियाल, कटहल, आम, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, अनार, महुआ, साल, ताट, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, ये समस्त जो है सुंदर वृक्षों के द्वारा सुशोभित था। आंवला, केद, नेबू और भयान ये भल्लातरु आदि के वृक्ष शोभायमान थे। वही त्रिकूट पर्वत स्थित इस उद्यान में एक विशाल सरोवर विद्यमान था। उसमें सुनहरे रंग के कमल खिले रहते थे। मुकुद, एक कुमुद, कंडहर, उत्पल, शतपत्र इत्यादि और भी अनेक प्रकार के कमल पुष्प से उस सरोवर की शोभा अत्यधिक बढ़ रही थी। और वह वृक्ष सुंदर पुष्पों के द्वारा सुशोभित था जिससे मधुपान करने के लिए अनेकों पक्षी वहीं पर गुंजन करते थे। अनेक प्रकार के पक्षी एवं भ्रमर गुंजन करते थे। पक्षीबिंद सुमधुर कुजन करते थे एवं सरोवर हंस, कारंड, चक्रवाक और सारसों की झुंड में भरा हुआ था। वो सरोवर कैसे था एक वर्णन हो रहा है, इतना ही याद रखो। कहाँ याद रहेगा, क्या याद रखो, ये गजेंद्र कहाँ पर जल विहार कर रहे थे, उसके लिए कह रहे हैं। वो कौन सा पर्वत था, हाँ के पर्वत के नाम क्या है, त्रिकूट पर्वत है। हाँ, इस पर्वत के घोर जंगल में अनेक हाथियों से भरे झुंड के समान एक शक्तिशाली गजेंद्र निवास करता था। एक बार वो गजेंद्र अद्भुत ही हाथियों के साथ कंटीले बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और वृक्षों के रोदता हुआ विचरण कर रहा था। उसकी गंध मात्र से ही सिंह और दूसरे गजराज, बाघ, गोंडे, हिंसा जंतु भी बड़े बड़े नाग, काले ये समस्त मृग पशु आदि सब भाग भाग जाते थे। है
अच्छा तो एक दिन वो गजेंद्र ने क्या की, अपने हाथियों के साथ और छोटे छोटे बच्चों के साथ उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगे हैं। हाथियों के जल क्रीड़ा कैसे होता है, उसके गंडस्थल से टपकते हुए मद का नाम पान करते हुए हनुमत भ्रमर भी उसके साथ साथ उड़ते जा रहे थे। मद की अतिशायता से गजराज की नेत्र विहल हो रहे थे। उस हाथी के विशाल शरीर के भार से चित्रकूट पर्वत भी कांप उठता था। चित्रकूट का त्रिकूट हैं बोले, हाथी इतने विशाल था, वो कौन सा गजेंद्र बोले, त्रिकूट पर्वत पर जो विचरण करता था उसे पर्वत हिल जाता था, इतने विशाल शरीर है इसलिए कांप उठता था। चिलचिलाती धूप के कारण उसे तथा साथियों के प्यास सताने में लगी और दूसरे भी कमल पुष्प के मकरंद कर्ण की सुभाषित वायु को शुद्ध कर वो अपने दूत के साथ द्रुत गति से उस सरोवर के तट पर चला गया। गजराज ने उस सरोवर में प्रवेश करके सरोवर के पहले सूंड से उठाकर जल पिया और साक्षात स्नान किया, उससे उनकी थकान मिट गई। सरोवर का जल सुनहरी वर्षा की कमल के ओर उत्पल के अर्थात लाल कमल के पराग से सुगंधित एवं पूर्ण निर्मल तथा अमृत के समान सुस्वादु था। हैं उस सरोवर के जल कैसे था, अत्यंत सुस्वादु था। हैं जैसे आप वो बनाते हैं ना, शरबत बनाते हैं, लाल लाल उसमें क्या डाल देते हैं, रोज डाल देते हैं ना, और इसे सुगंधित होता है। उसी प्रकार उस सरोवर के जल भी ऐसे सुंदर था, है पवित्र निर्मल। इसलिए गजेंद्र ने किया कि पहले जलपान कर लिया कुछ और फिर ऐसे सुंदर सुगंधित जल के अपने शरीर पर सुरों के द्वारा स्नान करने लगे, अपने छोटे छोटे बच्चों के भी स्नान करने लगे। हे राजन, उसी बीच प्रारब्धवश उस सरोवर में रहने वाले किसी महाबलशाली ग्रह ने अत्यंत क्रोध से भरकर उस दुर्मद गजराज का पैर पकड़ लिया। देखो देवश उसने अपने को जब विपत्ति में देखा तो वह स्वयं को छुड़ाने के लिए यथाशक्ति प्रयास करने लगा, परंतु छुड़ा न सका। ग्राहक ने किया कि उस हाथी को पैर को पकड़ गए। तत्पश्चात दूसरे हाथी ने और उनके बच्चे जब देखा कि महाबलशाली ग्रह
उनके स्वामी गजराज को जो है बड़े वेग से के साथ खींचते हुए ले जा रहे हैं। तब वो दिन होकर सिंघाड़ने लगे। उस समय गजराज जल से बाहर निकालने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे उनका उद्धार करने में समर्थ न हो सके है। इस प्रकार ग्राहक और गजेंद्र है बहुत समय तक युद्ध करने लगे। माने ग्राहक जो है उसके पानी के और गभीर की तरफ लेकर के जाते हैं और गजेंद्र जो है फिर आगे स्थल के भाग के आने प्रयास करने लगे। इस प्रकार उनकी जो है युद्ध होने लगे, आगे पीछे होने लगे हैं। कभी गजेंद्र है अपने शरीर के बल पर ग्राहक के ऊपर लेकर के आते और कभी ग्राहक माने वो जो कुमीर जो है उनके पार पैर को पकड़ के नीचे की तरफ पानी की तरफ खींच करके ले आते हैं। हाथी बलशाली व जो कुछ भी करते हैं स्थल के ऊपर जल के ऊपर करने वाले, उसी प्रकार कुमीर भी उस जल के रहने वाले हैं ना, स्थल में अपने महात्मा को दिखाते नहीं, अपने महात्मा कहाँ दिखा दे जल में। अच्छा आज यहीं पर रहे नहीं, पौने आठ हो गया, चलो आरती करो, काल गजग्रह की कथा श्रवण करेंगे हैं। काल गर्मी था, नींद कम हो गया मेरा, नींद आ है कि नहीं, काल बत्ती चली जाती है, गर्मी भी थी और बत्ती भी नहीं है, छटपटा नहीं छटपटा। हाँ एसी चलाते हैं और वो चलाते हैं। आ रही जा रही हाँ यार गर्मी वो सही बात। बड़े बड़े लोग सब अपने इंजन लग देते हैं। हाँ अच्छा चलो आज भी हवन के लिए जाना है। अब महाराज जी का आए नहीं अभी तक है। अच्छा चलो जाओ करो महाराज जी है, घंटी एक ही है। अरे ऊपर से ले आओ, एक छोटा घंटी खरीद करके ले आओ भाई, और तो पूजा होती है। घंटी के छोटा एक घंटी के वहाँ पर रख दो, बंद कर रख दो, कोई ले नहीं जाएगा है, पुजारी के डिस्टर्ब नहीं होगा। और क्या, हम तो हर रोज तुलसी के करते ना, आज एक साल हो गया, ज़्यादा हो गया। वो श्लोक याद करो, कौन सा श्लोक बोला, जो अंग नील के बत भूरी भागा जी संग्रहण बसती साक्षात। सप्तम स्कंद में
सप्तम स्कंध में 15 अध्याय श्लोक नंबर 75 याद रखना। जुआंगनी लोके बत भूरी भागा भूकं पुनानां मुनय अभिजन जे सांग्रियानां बसति ति साक्षात् गुरं परं ब्रह्म मनुष्यलिंगम। गुरं परं ब्रह्म मनुष्य, इस श्लोक याद करो, याद करते हो कि नहीं? वह लर्निंग श्लोक है, हैव टू लर्न श्लोक याद करो।